कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट इज अ क्राइम फॉर विच आईआईटी बॉम्बे हैज जीरो टॉलरेंस. इफ यू फील यू और समवन इज अफेक्टेड, स्पीक अप. कॉन्टैक्ट SCST स्टूडेंट सेल एट IIT बॉम्बे. यू विल फाइंड द ईमेल एज वेल एज द वेबसाइट मेंशन्ड ओवर. जात पात के ऊपर कोई भी तरीके का हैरेसमेंट या तंग करना किसी को एक अपराध है, और IIT बॉम्बे इस बात को, इस अपराध को बिल्कुल माफ नहीं करेगी. वी हैव जीरो टॉलरेंस इस बात पे. अगर आपको या किसी आपका जान पहचान को तकलीफ हो रही है इस वजह से, आप प्लीज आगे आइए, हमारा कॉन्टैक्ट कीजिए, SCST स्टूडेंट सेल को कॉन्टैक्ट कीजिए. माय नेम इज भरत अर्सुल एंड जॉइनिंग मी इज मधु बेलूर. We are convener and co-convener of SCST student cell at IIT Bombay. And here is the website detail. We'll talk a little more about it later. मेरा नाम है मधु बेलूर और मैं प्रोफेसर भरत अर्सुल के साथ co-convener हूँ. वो है convener. हम लोग मिलके SCST student cell का अभी इस साल से इंचार्ज है. So this is the website for the SCST student cell. Here you will come to know about the various activities that the cell conducts. But in short, IIT Bombay does not discriminate anyone based on their caste, creed, religion, or economic background. There is opportunity for everyone to grow. IIT Bombay का SCST student cell में ये सब detail में information जरूर है. आप please देखिएगा. In short, institute किसी को भी भेदभाव नहीं करता है. उनका जात पात को लेकर, धर्म के लेकर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर कोई टाइप का भेदभाव नहीं मानता है इंस्टीट्यूट. ये जगह है, इंस्टीट्यूट है हर एक को और बढ़िया होने की और ग्रो होने की मौका माना जाएगा यहाँ पे. सो SCST सेल इज हियर टू एंश्योर अ प्लेजेंट स्टे फॉर ऑल, फ्री फ्रॉम द क्राइम ऑफ हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन. Please reach out to us if you face caste-based discrimination from anybody. It could be a fellow student or it could be persons holding responsible positions. And the discrimination can be in the form of sly remarks, subtle casteist jokes, etc. But please reach out to us if you are feeling discriminated. Let it be very clear that offenders will be punished as per provisions of criminal law. SCST student cell also has also informs students of career opportunities and also offers them academic as well as non-academic. SCST student cell क्यों है IIT में? इसका मकसद है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर एक को अच्छी तरह रहने का एक सुविधा है. यहाँ पे सब लोग अच्छी तरह रहना चाहिए. यहाँ पे कोई भी तरीके का हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, तंग नहीं होना चाहिए. ये अपराध यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दैट इज, ये हमारा मकसद है. अगर आपको या आपका दोस्त को, किसी को भी कोई तकलीफ दे रहा है, किसी से भी, आपका कोई दूसरा स्टूडेंट या कोई इंचार्ज, कोई एम्प्लॉय, कोई भी तरीके का मजाक, घटिया बात अलाउड नहीं है. अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज आइए. जो ऐसा अपराध करता है, जो ऐसा जुर्म करता है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर क्रिमिनल लॉ. उसके अलावा हमारा सेल से अलग अलग टाइप के करियर अपॉर्चुनिटीज भी, इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक हेल्प भी हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है. सो द SCST स्टूडेंट सेल स्ट्रांगली बिलीव्स दैट टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग एंड इट्स पार्ट ऑफ एजुकेशन एट IIT बॉम्बे. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू व्यू कैंपस एज एन अपॉर्चुनिटी open the borders we have imposed on our mind, and respecting who and what is different is a difficult art, but again that's part of education. And just to summarize, inclusiveness and tolerance is what we believe makes us more complete human beings. Har type ka vicharon ko sehna, un sab ko include karna, ye hamara education ka part hai. ये कैंपस एक मौका है हम सब के लिए. हमारा माइंड पे जो बॉर्डर्स लगा के रखा है हमने, उस सब माइंड को बॉर्डर ओपन करके हम खुलने का मौका माना जाएगा. ये इसको अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल किया जाना चाहिए. और जब भी हमारे जैसा नहीं है कोई अलग है हमसे, उनको
की इज्जत करना, उनको रेस्पेक्ट करना एक बहुत मुश्किल कला है। ये एजुकेशन का एक पार्ट है जो हम चाहेंगे सब लोग सीखें, और फाइनली अच्छी तरह सबको इंक्लूड करना, टॉलरेट करना, सबको सहना, सबको रेस्पेक्ट करना, ये हमको एक कंप्लीट ह्यूमन बनाती है। ना कि हम सिर्फ यहाँ पे अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट या कोई मैकेनिकल टॉप मैकेनिकल इंजीनियर बनने आए, हम कंप्लीट ह्यूमन बनने का ये एक अच्छा मौका भी है। So there are several other official members of the SCST cell. The details are mentioned here. Another thing is this department level faculty advisors for SCST students. So you will find their names, you know, mentioned. They are from across most of the departments. And department faculty advisors could be your first point of contact, you know, if you face any discrimination. But of course, you are most welcome to approach us directly if you feel so. हमारे SCST सेल के हम दोनों कन्वीनर और को कन्वीनर हैं, लेकिन हमारा सेल काफी बड़ा है। ये सब हमारे मेंबर्स हैं, जो डीन, एसोसिएट डीन, एपी, स्टूडेंट अफेयर्स डीन और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, हर डिपार्टमेंट में कुछ फैकल्टी एडवाइजर्स हैं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर हमें या आपका डिपार्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट किया जाए, लेकिन हमें कॉन्टेक्ट करने में हम बिल्कुल प्लीज कोई हिचकिचाना नहीं। सो टू जस्ट एम्फसाइज वंस अगेन, SCST student cell exists to ensure pleasant atmosphere for everyone and to ensure no discrimination. As we have said earlier, please do reach out to us if you or anyone you know faces harassment. And let me again repeat this, that caste-based harassment or discrimination is a form of crime and will not be tolerated at IIT Bombay. एक और बात, ये बात कह देंगे हम कि स्टूडेंट एसिस्टेंट स्टूडेंट सेल यहाँ पे है हर एक के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए। यहाँ पे कोई तरीके का भेदभाव अलाउड नहीं है, और कोई भी तरीके का अगर कोई तंग कर रहा है, कोई मुश्किल हो रही है, तो हमारे पास आइए। और जात पात के हिसाब से जो तंग किया जाता है वो एक जुल्म है, एक अपराध है। और एक और बात बता देते हैं बात, if you want to you know find out about SCST student cell at IIT Bombay, you can simply google it, but here is the website. Let me just read it out. It's http://www.iitb.ac.in/en/scst-students-cell. Please do contact us in case of any difficulty. ये हमारा वेबसाइट है, और आईटी बॉम्बे के अंदर जाके, स्टूडेंट्स के अंदर जाके भी आप एसीएसटी सेल देख सकते हैं, या आप सिर्फ गूगल कर लीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।